इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स कि दोस्तों अगर आपको अपने किसी भी नोकिया के मोबाइल फ़ोन में एक सेटिंग मिल रहा है जंप टू कैमरा का, तो ये सेटिंग दोस्तों क्या होता है और इसे दोस्तों इनेबल डिसेबल यानी कि ऑन और ऑफ करने से क्या होता है, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उससे पहले चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये सेटिंग आपको दोस्तों मिलेगा कैसे और दोस्तों कहाँ पर, तो इसके लिए आपको जाना होगा अपने नोकिया मोबाइल फ़ोन के सेटिंग में और उसके बाद दोस्तों सेटिंग में आकर आपको आना है सबसे नीचे आने पर सिस्टम का ऑप्शन मिलेगा, सिस्टम पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको यहाँ गेस्चर का ऑप्शन मिल जाएगा, गेस्चर पर क्लिक कर देंगे तो इसमें आपको यहाँ जंप टू कैमरा का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। अब दोस्तों देखिए ये सेटिंग क्या होता है कि अगर आपके फ़ोन में ये जंप टू कैमरा वाला सेटिंग इस तरीके से ऑन है, या मान लीजिए अगर आपके फ़ोन में इस तरीके से बंद है तो जब आप यहाँ पर क्लिक करके ऑन कर देंगे तो दोस्तों इससे दोस्तों देखिए क्या होगा कि जब आप अपने मोबाइल फ़ोन के पावर बटन को लगातार दोस्तों दो बार दबाएंगे तो दोस्तों डायरेक्ट जो है आपके फ़ोन का कैमरा ओपन हो जाएगा, मतलब डायरेक्ट जो है आपके मोबाइल फ़ोन का कैमरा जो है खुल जाएगा। तो ये सेटिंग ऑन रहेगा तो ये होगा कि आप जैसे ही अपने फ़ोन के पावर बटन को लगातार दो बार दबाएंगे तो आपका दोस्तों जो है कैमरा ओपन ओपन हो जाएगा। चाहे दोस्तों आपका फ़ोन का स्क्रीन लॉक रहे या फिर दोस्तों स्क्रीन अनलॉक रहे, दोस्तों किसी भी कंडीशन में अगर आप अपने फ़ोन के पावर बटन को दबाएंगे तो कैमरा ऑन हो जाएगा। और दोस्तों देखिए अगर आप यहाँ पर क्लिक करके सेटिंग को बंद कर देंगे तो इससे क्या होगा कि दोस्तों जब आप दोस्तों दो बार पावर बटन को दबाएंगे तो फिर दोस्तों कैमरा ऑन दोस्तों नहीं हो पाएगा, मतलब नहीं खुल पाएगा। तो इस तरीके से आप दोस्तों इस सेटिंग को यूज कर सकते हैं अपने दोस्तों किसी भी नोकिया के मोबाइल में। वीडियो पसंद आया है लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।